श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई 2024 के दिन है कामिका एकादशी, और आज हम आपको काम का एकादशी के दिन किए जाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कामिका एकादशी का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक चुटकी हल्दी और दो लौंग वाला उपाय। और इसीलिए दोस्तों, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को अगर आपने सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो यह मान लीजिए कि अब आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेष कर की यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर एक चुटकी हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं ये इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं ये बहुत जल्दी सफल होते हैं, और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी आपको दिला देती है। जब आप हल्दी के उपाय कामिका एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न हो जाएं वहां वहां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि हमेशा माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, कामिका एकादशी के दिन किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। आप हल्दी पीस भी ले सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी आती है वो आपको एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक, यहां पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। बस ध्यान रहे कि जब एक चुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करना है, मतलब इस मंत्र को बोलना है, जाप करना है, और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है ना, वहां पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन जलाएंगे, एक चुटकी हल्दी डालकर आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी भी, इतना चमत्कारी होता है ये एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय। क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज कि हल्दी जो है ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी, ठीक है ना, आने वाले टाइम में, आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेषकर यह हल्दी वाला दीपक अपने घर में कामिका एकादशी की शाम जरूर जलाना चाहिए। अब किस समय जलाना है, तो यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के टाइम में भी कर सकते हो, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको सावन के किसी भी बुधवार के दिन करना है। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी, इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा
कि कैसे हमारे ऊपर इतनी धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है जो व्यक्ति इस उपाय को करता है। रातों रात वह अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है और उसको धनवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। करना क्या है? पीसी हुई फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है जल, और थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना है, जो जल लिया है उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से घुमा लेना है, मिला लेना है। अब ये हल्दी वाला जो जल है, इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन करना है, ठीक है ना? तो ये उपाय भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह में कर लें, अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी वाला जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही यह दोनों प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से, कि मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धनवान बनता चला जाऊं, इतना कह देना। और यह जो हल्दी वाला जल है, इसका छिड़काव अपने घर में कर देना, फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। और यह उपाय आपको कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ कामिका एकादशी के दिन ही करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, जो आपको अभी तक अपने जीवन में मिला नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए, ये तीसरा वाला उपाय आपको सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन करना है। करना क्या है? आपको एक दीपक यहां पर तैयार करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर, ठीक है ना? देसी घी का ही दीपक तैयार करेंगे, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर लंबी बाती का तैयार करना है, देसी घी से एक गोल बाती का, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है और एक दीपक लंबी बाती का तैयार करना है, घी से उसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब सबसे पहले दीपक जो आपने तैयार करा है हल्दी वाला, ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, ठीक है ना? तो तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहां लगाएंगे? आपके घर के आसपास अगर मंदिर है वहां जाकर लगा सकते हैं, वरना घर की उत्तर दिशा में आप इस दीपक को रख दें जो हल्दी वाला दीपक है, ठीक है ना? क्योंकि घर की जो उत्तर दिशा ईशान कोण होता है, ये हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी दिशा होती है। दूसरी चीज, जो लंबी बाती का दीपक आपने तैयार करा है, शुद्ध देसी घी से यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है। दोनों दीपक एक साथ ही लगाएंगे, मतलब अगर शाम के टाइम में आप ये उपाय कर रहे हैं तो शाम के टाइम में ही दोनों दीपक आपको लगाने हैं। और यह उपाय शाम का ही है, सुबह का नहीं है, शाम का ही ये उपाय है। तो देखिए, जैसे ही आप ये दो दीपक जलाते हैं, एक माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, तो इससे होता क्या है कि माता लक्ष्मी जो है यह प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ तुलसी के आगे जब दीपक जलाकर आप अपनी विश, अपनी इच्छा माँ तुलसी से कहती हैं, तो माँ तुलसी जो है यह श्री हरि विष्णु से आपकी मनोकामना कह देती हैं। और कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है नहीं जो अधूरी रहे, श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं। और जो आपने माँ तुलसी से मांग लिया ना, वो आपको मिलकर ही रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है, करके देख लेना। कोई भी ऐसी इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ना कि भगवान गणेश जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर दें, सारे कर्जे को आपके दूर कर दें, है ना कर्जा, कभी आपको लेना ही ना पड़े, तो आपको मित्रों ये एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे।
दूसरी चीज की हल्दी जो है ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी ठीक है ना, आने वाले टाइम में आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए उन्हें, तो विशेष कर यह हल्दी वाला दीपक अपने घर में कामिका एकादशी की शाम जरूर जलाना चाहिए। अब किस समय जलाना है तो यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के टाइम में भी कर सकते हो, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको सावन के किसी भी बुधवार के दिन करना है। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हमारे ऊपर इतनी धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, रातों रात वह अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है और उसको धनवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। करना क्या है, पीसी हुई फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है जल, और थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना है, जो जल लिया है उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से घुमा लेना है, मिला लेना है। अब ये हल्दी वाला जो जल है इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन करना है, ठीक है ना। तो ये उपाय भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह में कर लें, अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी वाला जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही यह दोनों प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से, कि मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धनवान बनता चला जाऊं, इतना कह देना। और यह जो हल्दी वाला जल है इसका छिड़काव अपने घर में कर देना, फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। और यह उपाय आपको कितनी बार करना है, सिर्फ और सिर्फ कामिका एकादशी के दिन ही करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, जो आपको अभी तक अपने जीवन में मिला नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए ये तीसरा वाला उपाय आपको सावन महीने की कामिका एकादशी के दिन करना है। करना क्या है, आपको एक दीपक यहां पर तैयार करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर, ठीक है ना। देसी घी का ही दीपक तैयार करेंगे, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर लंबी बाती का तैयार करना है, देसी घी से एक गोल बाती का, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है और एक दीपक लंबी बाती का तैयार करना है, घी से उसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब सबसे पहले दीपक जो आपने तैयार करा है हल्दी वाला, ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, ठीक है ना। तो तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहां लगाएंगे, आपके घर के आसपास अगर मंदिर है वहां जाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी दो दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं।
जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे ना दोस्तों। हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बन जाती है। अगले दिन बासी रोटी यों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें, आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है उसमें ये गलतियां नहीं होती है तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है, ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए, ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों नंबर दो, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर तीन, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर चार, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर पांच, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए,
ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूलकर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है।
गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिला। ये यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जीज भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए और रोटी को बिल्कुल न रखें, उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सरी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सरी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की खास वीडियो आशा है कि आज